तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं। हमने एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है 12.3 का। तो 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमारे पास में पी आर गिवेन है और पी क्यू गिवेन है। सबसे पहले तो हमें क्यू आर फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद में हम शेडेड रीजन के एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक मैं यहाँ से ट्रायंगल कॉपी कर रहा हूँ, इसी को ड्रॉ करता हूँ। तो आपका ये पी आर और ये आपका क्यू। देखिए पी आर हमारे पास में गिवन है 7 सेंटीमीटर और पी क्यू है हमारे पास में 24 सेंटीमीटर। हमें क्यू आर नहीं पता है, तो सॉल्यूशन वी हैव गिवन पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू डायामीटर इक्वल टू नहीं पता है, और एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री। क्यू पी आर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए परपेंडिकुलर आपका है 24 और बेस है आपके पास में 7 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर वैसे ही मैंने रहने दिया, कॉपी कर लिया। फिर मैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का 49। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 625। हाइपोटेनियस का मैं स्क्वायर को जब हटाऊंगा तो राइट पे शिफ्ट हो जाएगा 625, और रूट 625 का हमें पता है कि 25 होता है। तो हाइपोटेनियस तो हमें पता चल गया 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस क्या है आपका, डायामीटर। तो रेडियस यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ, तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। हमें शेडेड रीजन निकालना है, तो चलिए मैं फाइंड करता हूँ इसको। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है आपका हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपका हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। तो हाफ पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपके पास में 25/2, तो मैं इसको 2 टाइम्स लिख देता हूँ, 25/2 माइनस 1/2, बेस है आपका 7 और हाइट है आपका 24, तो ये कैंसिल हो जाएगा 12, और क्या कैंसिल हो रहा है इसे कैंसिल कर दो, ये 11। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं इधर करता हूं, तो हमारे पास में बचे हुए हैं 11/625/4/7 माइनस 84, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 625 को 11 से, तो
5 2 6 5 2 6 5 7 8 6 कितना आ जाएगा? 6875 अपॉन 28 माइनस 84। इधर का मैं रफ कर देता हूं, तो पूरे का एलसीएम में ले लेता हूं 28 6875 माइनस 84 इंटू 28। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 6875 माइनस 84 इंटू 28, 84 जा 32, कैरी आपका 3, 8 8 जा 64 और 3 67, ये आपका 8, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो 2 और 15, कैरी 1, 12, 13 और ये आपका 2, तो 2352 अपॉन 28। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको यहां से, 6875 माइनस 2352, 5 में आपका 2 तो 3, 7 में 5 तो 2 और यहां से आपका 5 4, राइट, तो 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन 2। देखिए क्वेश्चन 2 आपका क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20 इफ रेडिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री। हमें शेडेड रीजन की एरिया फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारे पास में दोनों सेक्टर का रेडियस गिवेन है और एंगल गिवेन है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं, सॉल्यूशन वी हैव गिवेन रेडियस आर वन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस आर टू इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री। एरिया ऑफ शेडेड रीजन रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। बड़े सेक्टर में छोटे सेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरिया पता चल जाएगा कि कितनी है जो पोर्शन को शेडेड किया गया। तो बिगर सेक्टर, पहले तो आप लिखिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां आप आर टू लेंगे बिगर को क्योंकि हमारा आर टू है, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर वन का स्क्वायर। देखिए बोथ में कॉमन है, आपके पास में थीटा अपॉन 360 पाई को कॉमन ले लो, आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर, थीटा है आपका 40, तो रख दिया थीटा की वैल्यू 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर टू है आपका 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये 0 0 कैंसल, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36,
तो बचा हुआ हमारे पास में 22/7 इंटू 1/9, मैं इधर लिख दिया हूँ, पहले लिखना चाहिए था हमें। चलिए कोई नहीं, 14 का स्क्वायर 196 और 7 का -49, तो 22/7 इंटू 9, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। 196 में 49 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ से कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 196 और 49 को सब्ट्रैक्ट, तो 16 में 9 आपका चला जाएगा, आपके पास बचेगा 7, और 18 में 4 तो 14, 147। 7 के टेबल से कैंसिल कर दो, 7 वन जस 7 और 7 टू 14, 7 वन जस 7, तो और 3 3 9, 3 7 21। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, तो आपके पास में बचे हैं 22/7/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21 इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। APD एक आपका सेमी सर्कल है, दूसरा आपका है BPC, ये आपका सेकंड सर्कल है, सेमी सर्कल है, और इनकी जो साइड है वो है आपका 14 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है इस शेडेड पोर्शन को, तो सॉल्यूशन वी हैव गिवेन साइड इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, राइट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइड का स्क्वायर माइनस 2 × ½ πr² होता है आपका सेमी सर्कल का, ठीक है। देखिए साइड है आपके पास में 14, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 7 सेंटीमीटर, तो ये 2 और 2 को यहां से कैंसिल कर दो। साइड है आपका 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 × 7 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22/7 इंटू 7 को 2 टाइम्स लिख देता हूं मैं, देखिए 7 और 7 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 196 माइनस 22 × 7, तो 196 माइनस 7 2 14 का 4, 7 2 14 और 115 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 6 में आपका 4 तो 2, और 9 में 5 तो आपका कितना बचेगा 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया ये शेडेड पोर्शन का।